अरे यार, ये बूढ़ा तैयार हो रहा शादी के हाँ लिए, हाथ धोती है, दाढ़ी बना रहा। ओ भाई, चांददार आ गए कबीले ना। में ध्रुव भाई आ गए ना ब्रो। आज तो इसकी बैंड हाँ बजेगी उस तुम दुनिया का बंदा। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, दैट इज़ ऑन ड्रिल सरत्रल सीज़न 3 एपिसोड नंबर 39। बहुत बेहतरीन होने वाला है आज का एपिसोड। अगर आपने कल वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो जो वैसीलियस जो है बंदा, उस बंदे ने अपने बंदे पेट्रोश पेट्रोश को बोला कि भाई, एक ताजिर जिस बंदे ने बनाया था, जिस बंदे ने मारा था अपने जमींदार को, जमींदार जो भी था वो, अपना किसका, काराजेसर का जमींदार, जमींदार था जिसने मारा था, और उस बंदे को तुर्गुत भाई ने देखा था, तो उसको बोला कि भाई तू जा किसके कबीले, जानदार कबीले जा, और वहाँ पे भाई उसको भेजा। ठीक है, उतना हमें पता नहीं था कि कुछ होगा, कुछ ऐसा नहीं। और फिर तुर्गुत भाई और बंसी भाई उसको ढूंढने को बाहर गए, एंड भाई वो उनकी उनको देख रहा था वो भाई, इधर ही दिमाग खराब हो गया। मैं बोला ये क्या हो रहा है, एंड फिर वो गया उनको देखते देखते, मतलब अपने पीछे लेके गया जानबूझ के, एंड वो जानदार कबीले गया। मतलब इसलिए कर रहा था वो, क्योंकि वो चाहता है कि एर्तरुल भाई, मतलब तुर्क कबायल एक दूसरे में लड़े, तुर्क कबायल, अच्छा बड़े बड़े तुर्क कबायल भाई चाहते क्या हैं ये लोग। और चलो ठीक है, वैसे एर्तरुल भाई उराल को 2 3 4 5 घूसे मारे, उसको थप्पड़ विप्पड़ मारे, उसको कत्ल कर दें, तब भी कोई टेंशन नहीं, कुछ हमें नहीं टेंशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी हम नहीं जाते यार, तुर्क कबायल लड़े एक दूसरे में, हाँ उसको मार दें, उसको कोई टेंशन नहीं, हमें कोई उराल का टेंशन टेंशन नहीं है। उसका उसका पप्पा भी थोड़ा ठीक है, बस वो थोड़ा पागल हो चुका है, देखते क्या होता है। और उधर से भाई कोपेक का, जो कोपेक ने जो प्रपोज किया था असली हाथ खातून को, हाँ भाई भाई। कर लिया उसने, एक्सेप्ट कर लिया उसने। मैं तो हैरान हो गया भाई, कोपेक की इतनी अच्छी असली असली हान यार, असली हान यहाँ पे है, प्रिंसेस, शी इज प्रिंसेस, और वो चौकीदार बनने के लायक है कोपेक। अरे क्या दिमाग खराब करता वो इंसान, निठल्ला इंसान। देखते हैं अभी क्या होता है, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अर्तुरुल भाई कुछ कुछ ना कुछ, अगर इन लोगों को सच में शक हो गया उराल भाई पे, इन लोगों ने दावा बोल देना है जानदार कबीले पे, और हमारे कबीले का यार कुछ नुकसान ना हो जाए, बस इसका टेंशन रहता है मुझे, और तो कुछ नहीं। बट देखते हैं क्या होता है, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो रुको भाई रुको, और देखा ना ये कोपेक ने क्या बोला था, कोपेक बोला पहले मैं सराया फतेह करूंगा, सराया एर्तरुल से लूंगा, ताबे में लूंगा, फिर उसके बाद शादी मैं करूंगा। असलियान से शादी करूंगा। हाँ भाई क्या होने यार, शादी सुन के ना मेरा दिल टूट जाता है भाई यार, असलियान कोपेक से, सीरियसली आई डोंट वॉन्ट टू सी दैट, बट देखते क्या होता है। चलो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स लेट्स स्टार्ट स्टार्ट। आवर वीडियो। बंसी भाई कुछ तो कर रहे थे ना लास्ट टाइम भी। अरे बट वो करता है मोहब्बत हेलेना से। भाई ने सुन लिया, हाँ
पहाड़ी भालू। उसके पापा उसके सामने कत्ल कर दिए गए। तुम कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हो? तुम मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं हुई है। हाँ बंसी भाई हाँ, ये जो मोहब्बत है ना तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगी। रास्ता दो मुझे। क्यूट है मेरा मुंशी भाई, क्यूट है। ही इज क्यूट, वेरी क्यूट। कौन है? उत्तरी भाई आ गया ना मेरा भाई। सही बात है, बहुत ठंडा इंसान है। सही बात है, बिल्कुल आई एग्री विद दिस। ओहो हो मिस्टर आयरन मैन नकली वाला। ओ भाई साहब नहा के आए हो, गिले गिले बाल। सही है, ये तेल लगा के आए हैं बालों को, चमेली का। भाई आपकी स्कर्ट संभाल लेना।
तो क्या करना है बताओ। भाई ध्यान से, देखते क्या। ओ तेरी, ओए होए निठल्लू गोपू, कब्जा करने आ गई तुम, मार खाएंगे पेट तुम भाई से। मेरे को लग रहा मैं भी कोपेक की सेना का मेंबर हूँ, ब्लू कलर, इसने भी ब्लू कलर पहना है। मेरे को नहीं बनना इसकी सेना का मेंबर, निठल्ला इंसान है ये। झंडे लेके आ गए अपने, ये कौन है? ओ दाची, अपने अर्थवल भाई का बंदा है।
मैं वही सोचू ताजिर के हाथ में तलवार क्यों है। कब से मेरे दिमाग में वही चल रहा है, और ये जंग वंग करने आया क्या। गुंडिश बहुत टाइम के बाद कबीला देखा ना, तो कब से हांगली बाजार ही दिख रहा था। सही बात है। एयरटेल भाई इतने खुश क्यों, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि हानली बाजार छोड़ के आए और ऊपर से उनको राज के बारे में पता चल गया, फिर भी इतने खुश है। थोड़ा सा उनके दिमाग में कुछ तो प्लान होगा। लॉल लॉल हो गया उसका लॉल। हमारे बंसी भाई को रोकेगा तो है। शुक्रिया, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई
बंसी भाई को हार्ट अटैक ना आ जाएगा ये खुशी से। अस्तगफिरुल्लाह। ये देखो ये नामाकुल क्या कर रहा है इधर क्या मालूम। अरे भाई जाना तो अपनी शादी वादी में, काहे को हमारे हानली बाजार पे कब्जा किया तूने। बेवकूफ। अच्छा लॉल। ओह पेत्रोस पेत्रोस। अभी अपने पिल्ला अपने मालिक को बताएगा। ये देख क्या निठल्ला इंसान है ये, बेवकूफ नॉन सेंस। या देखो देखो भाई साहब आज ही शादी हो जानी है।
भाग गया, उसको शक हो गया, है भी ये शक्की इंसान, शक्की है ये, शक्कू है शक्कू। अबे तेरे को देखे गया है वो तो बता पहले कि तूने खुद हासिल नहीं किया कुछ, तेरे को ऐसा देखे गया, ले पकड़ मजे कर बेवकूफ, नॉनसेंस है ना, नॉनसेंस। सही बात है, लगता है सविता की मौत का जिम्मेदार है, मैं ठहरा कर उस राय पर कब्जा करना चाहते हैं भाई, लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है, अगर ये सब किया था उस उराल का है तो उसे मालूम नहीं कि ऐसा करना दोनों कबाइल के दरमियान जंग की वजह बन सकता है, जब ख्वाहिशात काबू से बाहर हो जाए तो अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है यार, जरूर मिलेगी भाई, क्या होगा अगर ये बिसात और बड़ी हुई और उराल इस बिसात का छोटा सा मोहरा साबित हुआ, तो क्या आप कभी यही ख्याल है कि वो ऐसा नहीं सोच सकता, उराल सराय हासिल करने की ख्वाहिश जरूर रखता है लेकिन जबकि उसे मालूम है कि हमें उस पर शक है तो वो इस तरह की हरकत करने की जरूरत नहीं कर सकता भाई, सही कहा, मतलब एतरुल भाई को पूरा अंदाज़ा हो चुका है कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, आई एम वेरी कन्फ्यूज नाउ, छोड़ो। अरे यार ये बूढ़ा तैयार हो रहा शादी के लिए, हद होती है दाढ़ी बना रहा, बट कुछ भी बोलो ये जो एक्टर है माशाल्लाह उसकी क्या तारीफ, क्या उस बंदे ने ऐसी एक्टिंग की है कि हमको कायल कर दिया उसको नफरत करने के लिए, उसमें भी एक दम चाहिए बंदे में है ना, कि जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है उसको अच्छे से पेश करे इंसान, माशाल्लाह माशाल्लाह तगड़ा है ये बंदा, ये भी और वेश्युलुश भी, वो भी तगड़े एक्टर है दोनों। नोयान तो भाई उसका तो क्या ही बोलना है, वो तो भाई सबसे सही है, ये ऐसी है माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, इनका निकाह है आज, गुलसुन अली है उनका नाम, असली नाम गुलसुन अली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके हाथों की मेहंदी हमेशा महकती रहे और दामन खुशियों से भर जाए, बड़ा बुरा लग रहा है यार, मत जाओ मत करो शादी, ये देखो तो मोटे मोटे अंगूठे डाल रहा है, अरे भाई हाथ से बड़ा तो अंगूठा है उसका, कलब भी कर ले दाढ़ी को थोड़ा, शादी कर रहा है चिट्टी दाढ़ी है उसको काला कर ले, हज़रत अली की जैसे तलवार शमशीर, इनका चाकू भी वैसा ही देखा ना माशाल्लाह दो धारी। ओ
भाई चांदा कबीले में अर्द्रुव भाई आ गए ना ब्रो, क्या बात है। तो इसकी बैंड बजेगी उस तुम दुनिया का बंदा झूठा इंसान, ये दोनों कबीलों को लड़वाना चाहते हैं ना। आई विश ये देखो ये अलग ही सब। अरे तेरी अर्थी के लिए सामान लेके आया वो, तिजारत के लिए लेके आया, बुरे दिन लेके आ तेरे बुरे दिन खत्म हो चढ़ाओ चढ़ाओ इसको खजूर के पेड़ पर चढ़ाओ ऊपर तक। तरस आता है इन बेचारों के, खाब कैसे टूटेंगे ना अभी घुटने टेक दिए वाले बेवकूफ। ये देखो काले पत्थर पहन के इबादत कर रहा, क्या कर रहे हैं। अच्छा
कुछ तो गलती करेगा ये इंसान। ताजिर के पास तीर यही चुकाते हैं। समझ गया भाई। हाँ इसे से मारा सबूत ताबे में लो इसको। सेम टू सेम। हू बहू साबित हो चुका कि तुम कातिल हो। अब तुम मुझे बताओगे कि किसके हुकुम पर जमींदार को कत्ल किया तुमने? मैं अपने शहंशाह के अलावा किसी के हुकुम का गुलाम नहीं। तो तुम्हारा सर तलब करके उसे ही बेच देते हैं। अरे मैं खुल गया अभी गया उसका सर। ये क्या उसके दांत निकले कैसे? उधर तो ब्याह चल रहा है इसका ये निठल्ले बुढ़ों का। देखो पहना क्या इसने? कोपे की बियर्ड मुझे बड़ी पसंद है पर कुछ ही बोलो। चाचा इधर ही है। भाई
सब अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पप्पा भी। उसके पप्पा की उम्र क्या है भाई? ये था हमारा रिएक्शन ऑन ड्रिल सर ट्रिल सीजन 3 एपिसोड नंबर 39। बहुत बेहतरीन था ये, पता नहीं क्यों बीच में आता मेरे हाथ के, बट बहुत मुश्किल से शूट हुआ ये एपिसोड। बड़े मतलब लाइट ही चली जा रही है भाई, मेरे को तो लगा आज एपिसोड ही नहीं शूट होने वाला। सुबह बैठे सुबह लाइट चलेगी, शाम को बैठे शाम को लाइट चलेगी। कल से ट्राई कर रहे हैं भाई ये एपिसोड शूट करने का, मतलब शूट ही नहीं हो रहा था। कल भी वीडियोज़ नहीं ज़्यादा डाल पाई इस वजह से, बट फाइनली शूट हो चुका है, आपके पास टाइम पे पहुंच जाएगा ये एपिसोड। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड देखने में, क्योंकि कोपेक की शादी होने वाली है, उराल को सज़ा मिलेगी। सज़ा वैसे उराल ने इस बार कुछ किया नहीं है, बट उसके छत्तर पड़ेंगे, वो मज़ा आएगा मुझे देख के। बट देखने वाला सीन है होगा क्या, और हानली बाजार भी अभी ले लिया है कोपेक ने अपने ताबे में, तो देखते हुए क्या होता है कि नेक्स्ट सीन में, है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।